19 सितंबर को स्थानीय वेबसाइट uttarpradesh.org न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट किया। मीडिया वेबसाइट ने बताया कि ये वीडियो प्रयागराज के सिविल लाइंस में मौजूद हनुमान निकेतन का है। साथ में दावा किया गया कि इस लड़के ने हनुमान मंदिर में नमाज अदा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीकली मैगजीन पांचजन्य ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो सही, लेकिन उससे जुड़े पत्रकार अश्विनी मिश्रा ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। लेकिन इस वीडियो को वायरल होता देख प्रयागराज पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया। वीडियो में दिख रहे लड़के ने पूरी बात बताते हुए ये कहा, सर मैं वैभव त्रिपाठी हूँ और मेरे पिताजी का नाम नव कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ पर डेली मंदिर पूजा लगभग करने आता ही हूँ। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, पर मैं वज्रासन में बैठता हूँ, वज्रासन में बैठती हूँ, पूजा करता हूँ, पर मेरे बारे में लोगों की कुछ गलत सोच हो गई कि मैं जो है कोई और धर्म का हूँ या मैं कुछ गलत करने आता हूँ। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। हम सिख रहने वाले कहाँ के? हम यही पास में ही कंपनी विभाग के पास में ही हमारा घर है, हम वहीं पर रहते हैं। हम त्रिपाठी लोग हैं। हम लोग मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में ठाकुर जी जी उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, पर कुछ लोगों ने गलत सोच लिया हमारे बारे में, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं अगर आपको दिक्कत हुई। बाकी आज के बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं गलत हूँ तो नहीं, ठीक है, आप सही हो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर आप, क्योंकि मैं किसी से मतलब नहीं रखता हूँ, सिर्फ अपने भगवान की पूजा करता हूँ। मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, उनका नाम जाप। अब मेरे पहनावे से या मेरे बैठने के तरीके से अगर किसी को, मैं वज्रासन में बैठता हूँ, अच्छा उसको कुछ लोगों ने सोच लिया कि मैं नमाज या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मैं हनुमान जी का और ठाकुर जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, शाम को भी मैं आता हूँ। प्रयागराज पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस घटना के संबंध में ये कहा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो उक्त वीडियो वायरल किया जा रहा है वो उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ऐसा कोई नमाज पढ़ने का मंदिर में प्रकरण नहीं है, इसकी जांच की जा चुकी है, तथा एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा वहां वज्रासन में पूजा किया जा रहा, जिसको कथित तौर पे नमाज की बात करके वीडियो वायरल की जा रही है। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनका नाम श्री वैभव त्रिपाठी है, तथा इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध विधि कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जो युवक है उसकी वेशभूषा जो है मुस्लिम जैसी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे एक माहौल भी खराब होता है, वीडियो वायरल होता है। देखिए वेशभूषा का जो बात है वो बिल्कुल निराधार है जी। किसी पर्टिकुलर ड्रेस पे अगर पुरुष कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहने उससे किसी धर्म को आइडेंटिफाई करना गलत बात है। और मैं पूरी तरह से, जैसा मैंने पहले ही बताया, इस वीडियो में जो भ्रामक चीज फैलाई जा रही है उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। वो गलती आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने पूरी बात बताई है। यानी वीडियो में दिख रहा लड़का मंदिर में नमाज नहीं पढ़ रहा था। लड़के का नाम वैभव त्रिपाठी है और वह वज्रासन में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वीडियो की पुख्ता जांच किए बिना आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य और उससे जुड़े पत्रकार ने ये वीडियो शेयर करते हुए भ्रामक दावा किया।